आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। सरकार को ब्याज देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कॉलोनियों की हालत ये है, बस्तियों की हालत ये है कि जो बच्चे बच्चियाँ 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना है साहब, और 8वीं तक पढ़ाना भी नहीं है। तो इसकी भी जो मैंने सर्वे किया है भ्रमण के दौरान खासतौर से, कि 9वीं और 10वीं पास बच्चे 1 सैकड़े में 1 या 2 मिलते हैं। ये है भाजपा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। आज मेरे साथ नेताजी चलते चलते के कार्यक्रम में उपस्थित हैं त्योथर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमाशंकर पटेल जी। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया आपका भी। आप पूर्व में 2 विधानसभा हमारे त्योथर विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं, एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया, कैसे देखते हैं पूरे कार्यक्रम को? कार्यक्रम देखिए बहुत अच्छा है और इस बार हम लोग ये सुनिश्चित है, जैसा आप देख रहे जनसंपर्क में हर जगह हम लोगों का जो संख्या है उपस्थिति के बराबर बढ़ रही है, और जहाँ हम जाते हैं चाहे हमारी माताएं बहनें हों, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग हों, चाहे हमारे ठेले वाले हों, खुमचे वाले हों, चाट फुल्की वाले हों, सारे लोगों का स्नेह हम लोगों को मिल रहा है। तो परिवर्तन की बयार है और परिवर्तन सुनिश्चित है। अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे जो जनता के बीच आप लेके जा रहे हैं? देखिए, इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जो जब से भाजपा आई है, जो 18 साल से मध्य प्रदेश में और 10 साल से मोदी जी की सरकार, जितने सपने इन्होंने दिखाए थे, 2013 का भाषण जब हम देखें माननीय मोदी जी का, और 2003 के पहले का अपन देखें इनका जो चुनावी घोषणा पत्र था, जो शिवराज जी का भाषण था, शिवराज जी ने कहा था कि प्रदेश मेरा मंदिर है और मंदिर में जो जनता है प्रदेश की वो मेरी भगवान है, मैं उसका पुजारी हूँ। आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। सरकार को ब्याज देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कॉलोनियों की हालत ये है, बस्तियों की हालत ये है कि जो बच्चे बच्चियाँ 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना है साहब, और 8वीं तक पढ़ाना भी नहीं है। तो स्थिति जो मैंने सर्वे किया है भ्रमण के दौरान खासतौर से, कि 9वीं और 10वीं पास बच्चे 1 सैकड़े में 1 या 2 मिलते हैं। ये है भाजपा का। अभी आप त्योथर से विधानसभा प्रत्याशी हैं, त्योथर के क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता को कुछ विकास की ओर ले जा सकें? देखिए, त्योथर हमारा वास्तव में हर मसले में बहुत पीछे है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि मेरे पूज्य पिता विधायक 93-98 तक में उन्होंने 100 बिस्तर का अस्पताल मंजूर करवाया था त्योथर के लिए। पोस्ट क्रिएट हुई, स्टाफ पूरे सेंक्शन हो गए, लेकिन वो अस्पताल आज दिनांक नहीं बन पाया। तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा के मसले पर जो महाविद्यालय आज से 50 साल पहले वो खुले थे उनकी संख्या उतनी नहीं, जबकि जनसंख्या हमारी डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा हो गई जनसंख्या हमारी। कन्या हाज कैंडी स्कूल यहाँ पर एक है जो हमारे पूर्व पिता ने बनवाया था, जो अपने कंसर में है फुलगढ़ी के पास, और एक भी कन्या हाज कैंडी स्कूल नहीं बन पाई कंसर। इसी तरीके से आप किसानों के लिए पानी बगल से कमरे से पानी बह जाता है, लेकिन बहुत बड़ा रकबा हमारे यहाँ अभी भी असंचित है। तो हमारी प्राथमिकताएँ होंगी शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएँ, इन तमाम चीज़ों को लेके हम लोग संघर्ष करेंगे और हमारी सरकार बनेगी, तो हम इन सब चीज़ों को जनता जनार्दन के ओर देने का प्रयास करेंगे। एक अहम मुद्दा, एक अहम चुनौती आपके लिए कि अभी हाल ही में आपके पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता 2 बार विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया, कितना चुनौती मानते हैं? क्योंकि देखिए वो वरिष्ठ नहीं थे, वो वरिष्ठ बिल्कुल नहीं थे। सदैव श्रीनिवास तिवारी जी हमारे पूज्य थे, सदैव सुंदरलाल जी तिवारी हमारे पूज्य थे, बहुत सबके नेता। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ पैदा हुई सुंदरलाल जी का न रहना और इनको लोकसभा में मौका मिला, हम सब मदद की। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के उस भाव जिस भाव ने इनके पूज्य बाबा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, पिता को सांसद बनाया, विधायक बनाया, और एक ज़माना था कि श्रीनिवास तिवारी जी इस जिले के अंदर विकास के पर्याय जाने जाते थे, उनका संघर्षों का अपना इतिहास था। ये बहुत जल्दबाजी इन्होंने कर दी, और जो इनको सस्ते में सब अवसर मिल गया था, बिना संघर्ष के मिल गया, बिना जमीन में उतरे मिल गया, वो उसका परिणाम था कि वो उनको भाजपा ने उपयोग कर लिया। मैं तो खाली कहना चाहूँगा भाजपा ने उनका उपयोग किया। आज आपके प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धार्थ तिवारी को मैदान पर उतारा है, तो किस प्रकार आप देख रहे हैं, कैसी चुनौतियों के साथ? देखिए, वो लड़ाई में नहीं है, और त्योथर का चुनाव बड़ा रोचक होगा, त्योथर में जनता लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस पार्टी का मैं उम्मीदवार जरूर हूँ, मैं खाली फिटी नहीं हूँ। आप चारों तरफ सर्वे, जैसा मैंने आपसे कहा, सर्वे कर लीजिए, एक तरफ जनता है और